This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamu alaikum nazreen, Dr. Shujaat program aap aur karobar ke saath aapki khidmat mein hazir. Ji haan nazreen, phir is program mein tarakki yafta mulk mumalik ke naam se aghaz karenge kyunki jab tak Pakistan तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल नहीं हो जाता उस वक्त तक हम उन स्ट्रेटजीज़ को उन पॉलिसीज़ को और उन बिज़नेस की खूबी और खामी को डिस्कस करते रहेंगे जिनकी मदद से ये मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारे नाज़रीन ये कहते हैं कि आप हमेशा तरक्की याफ्ता ममालिक के नाम से शुरू करते हैं, तो बिल्कुल भाई जब तक हमारा टारगेट तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होना है तो उसको वहीं से शुरू करेंगे। तो उसी तरक्की याफ्ता मुल्क की अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो उनमें एक चीज़ आपको सब में कॉमन नज़र आएगी, वो है कि आप उनकी किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ पे आपको जो रोड्स हैं जो स्ट्रीट्स हैं वो बड़ी प्रॉपरली मैनेज नज़र आती हैं। एक तो सफाई की सूरत हाल होती है, वो तो ज़ाहिर है कि सब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और अच्छी कौमें हैं उनमें सफाई की सूरत हाल तो वैसे ही बेहतर होती है, लेकिन उसके साथ आपको स्ट्रीट और रोड्स की एक प्लानिंग नज़र आती है। कहीं ऐसा नहीं होता कि एक गली में एक शख्स नहीं गुजर सकता और कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी गलियां या स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। ये सारी की सारी जो प्लानिंग या रोड्स प्लानिंग समझ लें या स्ट्रीट प्लानिंग्स है, इसकी बुनियादी वजह शायद गवर्नमेंट का इफ़ेक्टिव किरदार भी है और उसके साथ साथ सोसाइटी में वो लोग जो इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनका भी एक बड़ा वाइटल रोल है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे मोहल्ले गलियाँ बल्कि बिलुमूम ऐसी जगहें आपको मिल जाती हैं जहाँ पर जो ना तो रोड्स प्रॉपरली प्लान्ड हैं ना स्ट्रीट्स प्रॉपरली प्लान्ड हैं, इसी वजह से यूटिलिटीज़ का भी जो सूरत हाल बहुत ही बुरी है। लेकिन पिछले चंद सालों में चंद ऐसी आबादियां कायम हुई हैं जिसकी वजह से या जहां पर आपको एक नहायत ही प्लान्ड किस्म की यूटिलिटीज़ भी मिलती हैं, रोड्स भी मिलती हैं और जो दूसरी बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से मिलती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग और मिडिल क्लास हों या चाहे वो हायर इनकम लेवल के लोग हों वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे रियल इस्टेट्स के प्राइवेट कंपनीज जो कि डेवलपर्स भी हैं बिल्डर्स भी हैं और रियल इस्टेट के कारोबार से मुंसलिक हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे आप ये कह लें कि जी रियल इस्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन एक बात ये बिल्कुल तय है कि इस सेक्टर ने जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था उन्होंने किया है। पहले ये सेक्टर रोड डेवलप करता है, पहले ये स्ट्रीट्स बनती हैं, उसके बाद जो है ना वो जाके डेवलपमेंट होती है। तो हमने नाज़रीन ये देखना है कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में रियल इस्टेट के कारोबार में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है और ये इजाफ़ा समझा ये जाता है कि खुश आयन हो सकता है हमारी GDP के लिए हमारे माशरे के लिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट आई है रियल इस्टेट में ये शायद कहीं से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेशन नहीं है बल्कि ब्लैक मार्केट का पैसा इधर डाइवर्ट किया गया। तो हमने इन्हीं मौजूदात पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है नहायत ही मोज़ज़ मेहमान जनाब सैयद एस हैदर साहब, आप प्रेसिडेंट एंड CEO हैं 21st Century रियल इस्टेट के। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आम तौर पे ये जो रोड डेवलपमेंट से मैं शुरू करता हूं स्ट्रीट डेवलपमेंट से, क्योंकि ये कहा यह जाता है कि यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करना रोड्स को गलियों की ये जो सारी सूरत है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक गवर्नमेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़िम्मेदारी को पूरा करने में कामयाब रही है? देखिए शुजात, बात यह है कि सब मुल्कों के सब माशरों के मईशतों के अपने अपने चलन होते हैं। चूँकि हम तरक्की याफ्ता हैं या तरक्की पज़ीर हैं, लेकिन उन ममालिक के मुकाबले में जो तरक्की कर चुके हैं 70-80 साल 100 साल 150 साल पीछे हैं। तो जब पीछे हैं तो जाहिर बात है हर चीज़ में पीछे हैं। तो यहाँ पर ये होता हैगा कि पहले जब आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पड़े तो इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले काम शुरू हो चुका होता है। इसलिए शुरू हो चुका होता हैगा कि बस ठीक है शुरू हो नहीं है, यानी सड़कें वड़के बने ना बने आबादियाँ पहले बन जाती हैं। ये DHA जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है, तो वह ठीक है ये पहले DHA Phase 5 था, जो कुछ भी था कोई सड़कें वड़के नहीं थी, यहाँ तक कि गटर लाइनें भी नहीं थी, मगर उन्होंने प्लॉट दे दिए, लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया। तो कहने मतलब ये कि वो आपका कहना सही है, लेकिन ये कि जब जिस तरीके से तमाम चीज़ें अंजाम पाएंगी तो सिलसिला उसी तरह चल पड़ता है।
ठीक है, तो ये अब वो इस बहस में मतलब उलझने से हमें कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, इसलिए कि वो गवर्नमेंट की लाख रिस्पॉन्सिबिलिटी सही, लेकिन उनका अपना रोना है कि हमारे पैसे नहीं, लोग टैक्स नहीं देते, तो ये तो एक लामंतहा एक ऐसी एक सूरत हाल है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें गवर्नमेंट भी है, आम शहरी भी है, गवर्नमेंट भी है, लोग भी हैं, मगर ये कि चूंकि जब एक बात मैंने जैसे कही ना कि अगर बाद गलियों में गटर उबल रहे हैं तो जिसके घर से पानी निकल रहा है, या जैसे हम लोग अभी अपने इतने ज़्यादा तमीज़ याफ्ता नहीं हुए कि घर को तो साफ करते हैं लेकिन कचरा गली में फेंक देते हैं, तो अब जाहिर बात है अब इसमें गवर्नमेंट का काम तो कुछ ऐसा नहीं है, सभी का हुआ ना ये, या अगर गलियां जो है बास उसका साफ सूफ रखा जाए तो ये एक तरह की बुनियादी तस्वुराती बात है। जैसे तो चलो एक बात तय होगी कि ये गवर्नमेंट की नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आते हैं रियल इस्टेट की तरफ, जो कि आजकल ये देखा जा रहा है कि रियल इस्टेट का बिजनेस जो है वो काफ़ी बूम पे है, हालांकि दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर्स इस हद तक तरक्की नहीं कर रहे लेकिन रियल इस्टेट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। दो तरह की राय है इसमें, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि ये शो कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी आगे चल के और स्टेबल होगी। दूसरी राय ये है कि ये पैसा जो रियल इस्टेट में आ रहा है ये मुख्तलिफ किस्म की जो ब्राइबरी, करप्शन और नेपोटिज्म का जो पैसा था या जो इलीगल जो इल गॉटन मनी था, ये वो पैसा है जो इधर इन्वेस्ट हो रहा है। आप क्या कहते हैं भाई? देखिए बात यह है कि चाहे पैसा किसी चीज़ से भी कहीं पर भी आए, बात सिर्फ ये होती है कि वो डिमांड होती है। रियल इस्टेट चरस नहीं है, रियल इस्टेट अफीम नहीं है, रियल इस्टेट शराब नहीं है कि जिसके मुज़िर असरात माशरे पे पड़ते हों। तो गौर से समझ लीजिएगा बात मेरी। बात ये होती है कि जब आप किसी ना किसी तरीके से किसी चीज़ को जब तरक्की देना चाहते हैं तो कहाँ से होगी? एक डिमांड कहीं से तो क्रिएट होती है ना। डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई बढ़े पड़ी रहे, कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह कि अब FBR ने और गवर्नमेंट ने वो तमाम सिलेब्स को रिवाइज कर दिया है, पैसे उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, और उन्होंने ये खुद बिल्कुल कानून नाफिज कर दिया है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इसलिए कि ये इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अब ये लड़ाई झगड़ा कब तक चलता रहेगा और इसी तरह करते रहेंगे, तो उनका चलो भाई ठीक है। जैसे एमनेस्टी स्कीम दुनिया भर के तमाम ममालिक में आई है, कोई पाकिस्तान नया मुल्क नहीं है। तो ये एमनेस्टी स्कीम जब आई तो एमनेस्टी स्कीम में फिर जब पैसे भी उन्होंने अलाउ किए, बल्कि एमनेस्टी स्कीम में जितने पैसे आने चाहिए वो आए नहीं, इसलिए कि लोगों को ये डर है कि गवर्नमेंट का आना जाना तो चलता रहता है, ये ना हो कि दूसरी कोई गवर्नमेंट आ जाए तो वो उनको भी टांग दे। तो कहने का मतलब ये कि अगर एक आदमी तौबा तिल्ला कर रहा है, वो गलती हुई सही हुई उसमें सभी जिम्मेदारी, वही मैंने जैसे आपसे कहा कि वो तो पूरी माशरती एक जिम्मेदारी होती है कि टैक्स लगा था तो क्यों नहीं लगा था, अगर आपने वो तमाम सिलसिले आपकी कंप्यूटराइजेशन थी तो क्यों नहीं थी। तो ये कह देना कि सिर्फ उसने गलती की उसने गलती की, जब एक पूरा सिस्टम तय हो चुका होता है तो फिर गलती वलती नहीं होती, बल्कि वो अलग से पता चलने लगती है कि कौन सी चीज़ क्या थी। लेकिन अब चूँकि उन्होंने खुद ही अलाउ कर दिया इस चीज़ को, और ये कहा है पहले भी अलाउ किया था, लेकिन ये कि उसकी कोई बाकायदा उमदा गुनिया या बांध के या इस तरीके की अच्छी बातें नहीं की जाती जिस तरीके से सामने आए। दूसरा एक तरीका जो बड़ा आसान होता है जो दुनिया भर में होता है, वो ये होता हैगा कि रियल इस्टेट को तरक्की देने के लिए मॉर्गेजेस बेतहाशा दी जाती हैं। यानी बरतानिया में मैं जैसे आपको मिसाल दूँ कि 150% मॉर्गेज है, अमेरिका में भी इसी तरह हुआ। तो वहाँ क्या होता हैगा कि, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो हर साल तकरीबन 60 लाख बढ़ जाती है। फिर ये कि दूसरे कुछ तनासर और भी पैदा हैं, ये कि तकरीबन पहले ये कहा जाता था आपसे कोई 5 साल पहले तक 6 साल पहले तक कि 6 आदमियों के ऊपर एक ख़ानदान हमारा रहता है, मियाँ बीवी बच्चे अम्मा वगैरह मिला के। अब शहरों की हद तक अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ हो रही है कि अब शहरों के अंदर जब लोग आ जाते हैं तो अब 6 आदमियों का कुनबा नहीं रहता, कुछ गाँव में रह जाते हैं, यहाँ कुछ आ जाते हैं तो उनको एक जगह चाहिए होती है। अब चाहे वो किराए पर चाहिए हो, झोपड़ी चाहिए हो, मकान चाहिए हो, तो इसका मतलब कि ज़्यादा यूनिट चाहिए। अब डिमांड तो चल रही है ना, अब चाहे वो प्लॉट चाहिए तो उसमें झोपड़ी डालेगा या मकान। मैं थोड़ा सा इंटरप्शन करूं कि आप ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो सही मानों में बढ़ रही है, चाहे उसकी जो भी रीजन है। बहुत बढ़ना केवल कि कुछ हुआ ही नहीं है उस, ठीक है, अगर आप देखा जाए तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अब तक उसको इंडस्ट्री का एक दर्जा तो दिया गया लेकिन उसके ऊपर अमल कहीं नहीं है, उसको प्रॉपरली जो है वो फॉर्मेट में, इंडस्ट्रियल फॉर्मेट में नहीं लाया गया। जैसे जब आपने डेवलप्ड कंट्रीज की बातें करी तो उन तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में खासतौर से अमरीका के बारे में ये कहा जाता है कि उनको इकोनॉमी चलाने के लिए 3 काम करते हैं वो, या तो कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं ताकि डिफेंस कदन अदन कुछ बनना शुरू हो जाए, या वो गाड़ियां जो हैं इंतहाई फ्री बेचना शुरू कर देते हैं ताकि हर घर में गाड़ी पहुंचना शुरू हो जाए, और या ये है कि वो मॉर्गेजेस जो है इतनी इजी कर देते हैं कि दन अदन वो, क्योंकि अब 2-3 ही 4 बार, लेकिन आप गल्ला तो 200 मन रखने से रहे, सोने वोने का रिवाज ही नहीं रहा, डॉलर वगैरह रखते ही कोई नहीं लोग, तो एक बात हो गया। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं, और ये फिर ये देरपा होती हैं, कहने मतलब ये कि ये शॉर्ट टर्म नहीं हुआ करती। रियल इस्टेट का मतलब ये कि ऐसा नहीं होता आपने आज खरीदी और वो कल तो पेरिशेबल भी नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आम लोगों के जहन में ये होता है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टर्स के आने की वजह से प्राइसेस बढ़ गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि
انویسٹر سے زیادہ جو ریئل ڈیمانڈ ہے گھروں میں رہنے کی اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اس لیے پرائسز بڑھی ہیں؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ لوگوں کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ یہ کھربوہا روپے کی ریئل اسٹیٹ ہے. یہ کوئی دو تین آدمی مل کے اس کو کور نہیں کر سکتے. کسی ایک شعبے کو سمجھ میں آتا ہے آپ نے کہا یار اس گلی کے چار مکان جو ہیں یا چار پلاٹ جو ہیں وہ ہم لے لیں گے. ایک بات ہے خالی ڈیفنس فیز ایٹ کو اگر آپ لے لیں تو شاید ٹریلینس اینڈ ٹریلینس میں چلی جائے گی وہ. میں خالی ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں. کراچی کو اگر آپ لے لیں تو پتہ نہیں کوئی شاید ٹریلین سے بھی اوپر کی کوئی فگر ہوتی ہے تو مجھے نہیں معلوم. پورے پاکستان کی منی سپلائی اتنی نہیں ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے گا جب ہی تو مارگیجز وغیرہ گورنمنٹ نکالتی ہے پیسے کے بھائی کہیں نہ کہیں سے پیسے ڈالو یار کم از کم کچھ سرکولیشن تیز کرو. اور مطلب یہ ہوتا ہے کچھ کاروبار کا پہیا چلاؤ. اب وہ کاروبار کا پہیا بہت سارا چلتا ہے سیمنٹ بھی بنتا ہے لوہا بھی بنتا ہے. اب جس پروگرام کی وجہ سے آگا اسٹیل کر رہے ہیں تو آگا اسٹیل کا زیادہ سامان تو سری وری میں ہی جاتا ہوگا. تو وہ تمام چیزیں جب شروع ہو جاتی ہیں روزگار ملتا ہے پھر رہنے کو گھر ملتا ہے پھر بجلی لگ جاتی ہے وہاں پر پھر گیس آتی ہے وہاں پر پھر کرایے پہ چڑھتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہ وہ بہت ساری انڈسٹریز جس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ میں گرو کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ تو چونکہ اکنامکس کے بادشاہ ہیں تو آپ کو تو پتا ہے ایسا کہ دیکھیے آئٹمیں دو ہوتی ہیں کنزیومر گڈس ہوتی ہیں اور کیپٹل گڈس ہوتی ہیں. یہ کنزیومر گڈ نہیں ہے. کنزیومر گڈ تو ہے لیکن اس کے ساتھ کیپٹل گڈ بھی ہے. اس لیے 50-60 سال 70 سال 80 سال تک یہ 100 سال تک اور وہ پلاٹ آف لینڈ جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی کیپٹل گڈ ہے. بھائی مکان اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے پھر نیا بن جاتا ہے. جھوپڑی پانی میں بہ گئی زمین تھوڑی بہ گئی زمین اوپر. اچھا اس میں ایک بات جو میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا جو میں آپ کی گفتگو سے انفر کر رہا ہوں وہ یہ کہ چاہے وہ ال گاٹن منی ہے کہیں سے بھی ہے کم سے کم ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے سیکٹر میں یوز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اکنامک سرکولیشن اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں تو نہ ہونے سے تو یہ بہت بہتر ہے. بہت عمدہ ہے. میں دیکھیے اس کے آپ کو دوسرے کئی معنوں میں مثال دوں. ریئل اسٹیٹ کے چونکہ دیر پا اور دور رس اثرات ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً نہیں پتہ چلتے. کل کو اگر یہ معلوم ہو کہ یار حیدر یعنی میں بہت بدماش ہوں ریئل اسٹیٹ کا لیکن یار میں 2500 آدمیوں کو روز کھانا کھلاتا ہوں تو میری واہ واہ ہو جائے گی. اس لیے سب کو نظر آ رہا ہے نا وہ تو کیوں وہ 2500 وہ تو حرام کے پیسوں سے کھلا رہا ہوں میں اس میں تو کوئی برا نہیں کہہ رہا مجھ کو. تو کہنا لے کہ اگر وہ اچھا دوسری بات ایک بات یاد رکھیے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ انویسٹر لیتا ہے آخر کار وہ لینڈ اپ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی کنزیومر ہی کے ہاتھ پہ. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. یعنی وہ کوئی نہ کوئی آپ نے چڑھا دیا ٹھیک ہے تو آپ کی یہ بات بھی مانی کہ چلیے چڑھا دیا لیکن آخر کار چڑھانے والے سے جو مزید خریدے گا اگر وہ بھی اسی قسم کا کوئی آدمی ہے تو بھیا وہ مہنگا تو نہیں خریدے گا. وہ کہے گا اب یار یہ تو پہلے ہی مہنگی ہو گئی. تو آخر کار اب جیسے فیز ایٹ ہے یا سوجانی ٹاؤن ہے گڈاپ ہے بھائی بن رہے ہیں نا اور لوگ رہنے بھی آ رہے ہیں. یہ کون لوگ آ رہے ہیں رہنے؟ اچھا اس میں ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ انٹرنیشنل جو دوسرے کنٹریز ہیں ظاہر ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ان کے ماڈلز دیکھے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایک جو ان ٹرم آف دا ڈیولپمنٹ آف کنٹری یا سوسائٹی یا شہروں کو ڈیولپ کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر؟ بھائی دیکھیے نا وہ تو اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے لیکن اس میں بات جو ہے جیسے میں نے آپ سے بھی کہا نا کہ مارگیج جو ہے وہ 15-20 سال کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اب 15-20 سال کی تو اس ملک کے اندر کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوتی. ہاں سر نہیں 5 سال میکسیمم ہوتی ہے تو 5 سال کی تو مارگیج کہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ 5 سال میں مارگیج میں تم دے ہی نہیں سکتے. 5 سال بعد حکومت چینج ہو جاتی ہے نا. نہیں تو میں یہ تو حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا نا. میں تو پالیسی کی بات کر رہا ہوں. بات کرے گی بھائی دیکھیں نا ہم تو منگلا ڈیم بھاشا ڈیم جو ہم نے بنائے تو یہ سوچ کے بنائے کہ 125 سال تک کام کریں گے. یہی ہوگا نا یا 5 سال کے لیے بنائے تھے. لیکن کالا باغ ڈیم اور پتہ نہیں کون کون سے ڈیم ابھی تو پڑے. خیر وہ ایک الگ بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک باقاعدہ کوئی فصلیں بوتے ہیں تو جب کوئی گنا ہوتا ہے تو ایک فصل اتر جاتی ہے لیکن پھر دوسری فصل آتی ہے پھر تیسری فصل آتی ہے. تو اگر آپ جا کے دیکھیں گے مان لو کہ 40-50 سال سے وہاں پر کاشتکاری ہو رہی ہوگی تو فصل آ رہی ہے جا رہی ہے لیکن کئی فصلیں آ رہی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی بس ایک ہی فصل لینا اس کے بعد کوئی مٹی پا دینی ہے اس کے اوپر تو بات ختم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ کا فقدان ہے؟ ہاں بالکل ہے. اس لیے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا یہ پھلتا پھولتا ہے لانگ ٹرم کی پلاننگ کے اوپر. جس کی مثال میں نے آپ کو مارگیج دی جس کی مثال میں نے آپ کو یہ دی کہ کوئی بھی مکان کوئی بھی فرنیچر سے فرنیچر اپارٹمنٹ جو ہے اس کی بھی لائف کم از کم 30-35 سال ہوتی ہے. تو اس میں یہ تو اتنا بڑا سیکٹر ہے بڑا لیوکریٹیو سیکٹر ہے بڑے بڑے فگرز اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کو یا بہت سارے لوگوں کی جو فائنینسنگ ہے ڈونیشن کی صورت میں بھی آتی ہے یہاں سے تو گورنمنٹ اس پہ کیوں توجہ نہیں دیتی؟ بھائی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ بڑا بعض چیزیں بڑی اسپیشلائزڈ سیکٹر ہوتی ہیں. جب اسپیشلائز سیکٹر ہوتی ہے تو اسپیشلائز سیکٹر کو جب
अमल किया जाए और ये कहा जाए कि भाई इस पर सेक्टर पर ये अमल करना है, यानी कम पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज बनते हैं और वो फिर जब मैनिफेस्टोज बनते हैं तो उसी मैनिफेस्टो के ऊपर फिर वो बाकायदा अमल दरामद शुरू किया जाता है। जैसे तालीम का शोबा है, फ़र्ज़ करिए रियल इस्टेट का शोबा है, तो ये वो शोबे होते हैं जो कि कम अज़ कम 20-25 साल तक फॉलो किए जाते हैं। आपके जैसे तालीमी का शोबा है, अगर आप 20 साल की उम्र तक आप ये कह दें कि भाई 20 साल तक ये रहेगा कि हम तालीम फ्री की तो बात हमने करी ना जी, फ्री नहीं होती, बात करते हैं मगर वो तो आज आ चुकी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ चुकी वो बात नहीं होती, तो अब वो क्या नहीं होता क्यों नहीं होता वो अब अलग है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ जो है वो ये डिस्कशन में रह जाएगी, वो सबसे पहले मैंने पूछनी थी, वो ये कि एक न्यूज़ बहुत सर्कुलेट कर रही है मीडिया पे, वो है कि मेरे पास भी है कि ट्रंप्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एडिंग टू इंटरेस्ट इन पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट, के जो अमेरिका में थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, जो ट्रंप्स ने वो बैन का ऑर्डर दिया था, उससे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, क्या ऐसा है? नहीं, बेकार की बात है, मतलब ऐसा नहीं, इसका कोई सर पैर नहीं। पहली बात तो ये है कि लोगों को यही नहीं समझ में आती बात कि भाई जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं वो हैं जो कि वहाँ के नेशनल हो गए, वहाँ पर कोई सेमाई स्किल्ड या अनस्किल्ड आदमी जीसीसी कंट्रीज़ की तरह या दुबई वगैरह की तरह नहीं पहुँचते, जो जिनको के बहरहाल इस मुल्क में वापस आना है और 4-5 साल 6 साल में वो गुजरानवाला में या हैदराबाद में या इधर उधर कोई ना कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर तो जो लोग हैं वो हैं जो डॉक्टर्स हैं या जो अब हो गए और वो आइंदा 15-20 साल 25 साल के बाद करके वहाँ पे हाँ, नहीं वो तो गए, बच्चे बच्चे भी हो गए वहीं, पैदा हो गए बच्चे भी बाद में पढ़ भी वहाँ रहे हैं, सब कुछ है, तो वो क्या करेंगे पाकिस्तान पैसे भेज के? इसीलिए तो कहा जा रहा है कि रेमिटेंसेज जो हमारी कम हो रही हैं वो सिर्फ ये, और अगर अल्लाह ना करे कि जैसे सऊदी अरब ने बेताशा पाकिस्तानी निकाले और यूएई वगैरह से निकाले जाए तो हमारी तो रेमिटेंसेज बाहर से आएंगे, क्योंकि ये सेमी स्किल्ड लोग ही बेचते रेमिटेंसेज, जो फॉरेन सेटल होंगे वो तो नहीं बेचते, गलत ख्याल है, स्किल्ड वही होते हैं जो कि बस कर ये दुबई में रहा और उसने कहा कि नहीं यार मुझे तो जाना है पाकिस्तान, तो फिर लेकिन अमरीका बरतानी जब आप बात करते हैं जो 15 साल से रह रहा है तो भैया 15 साल से वो क्या कर रहा है रह के वहाँ पर, वो तो सेट हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप का ये न्यूज़ को इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो नाज़रीन ये आप सैयद हैदर साहब ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप का और ये जो न्यूज़ मीडिया में सर्कुलेट कर रही है इसका कोई बहुत खातर का इम्पैक्ट नहीं आएगा पाकिस्तान की रियल इस्टेट पर, क्योंकि पाकिस्तान में जो अमेरिका में लोग बैठे हैं वो स्किल्ड लोग हैं और उनके पाकिस्तान में एज सच उनकी इन्वेस्टमेंट के बहुत लंबे चौड़े इरादे नहीं होते नॉर्मली। सर एक और सवाल जो कि मैं पहले पूछना चाह रहा था, अगेन कई दफ़ा ऐसे होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट होती है, हालांकि वो परसेप्शन कई दफ़ा गलत होती है, इसी तरह से एक और परसेप्शन क्रिएट की गई है या है मीडिया में भी और आम लोगों में भी बगैर शायद तहकीक किए कि ये बात दुरुस्त है या नहीं, कि ब्लैक मनी इन प्रॉपर्टी मार्केट इज़ क्रिएटिंग अ बबल, कि जी ब्लैक मार्केट है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में बबल क्रिएट हो गया, क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है, इसलिए तो देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई बबल को जानता ही नहीं बबल होता क्या है, दूसरी बात ये भी कि कुछ भी रिवाज है एक लफ्ज़ सुन लिया कहीं बाहर से और वो यहाँ भी अप्लाई हो गया, अरे भाई बबल बबल काय का बात ही हो रही है कि यहाँ तो किसी चीज़ की कोई स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है ना किसी चीज़ की कुव्वत है, बबल तो जब होता है जबकि आप ये कहें कि कोई मार्केट क्रैश हो गई तो रियल इस्टेट तो स्टॉक एक्सचेंज भी कई दफ़ा क्रैश हुआ, अब 60,000 या पता नहीं कहाँ पर जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है जो हो सकता है किसी वक्त आपको, तो ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में, ये कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले हमारे पास 30 साल का रिकॉर्ड है, 30 साल में बबल कहें हम बबल तो नहीं कहते उसे हम, लेकिन ये कहते हैं कि साइक्लिकल एक ऑर्डर्स हर चीज़ की होते हैं, मेरी और आपकी सेहत के भी होते हैं, हम 5-6 दिन अप एंड डाउन जो है वो चलते रहते हैं, बिजनेस साइकिल की तरह हुआ करते, लेकिन ये असल में इशू ये है कि ये कहा ये जा रहा है जो कि मीडिया की जो डिस्कशंस हो रही हैं या लोग ये कहते हैं कि ये वेन्यू प्रोवाइड करती है पैसे को, इल गॉटन मनी को पूल करने का, जिसकी वजह से करप्शन और ये दूसरी चीज़ें बढ़ जाती है। यार पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं इल गॉटन मनी जो है, वो मेरी ये नहीं समझ में आता कि इल गॉटन मनी से मुराद क्या है आपकी, भाई वो जो सर टैक्स नहीं दिया गया बिल्कुल, या ये कि लोगों ने खुद छाप लिए क्या, मतलब फॉर एग्जांपल टैक्स में है, करप्शन में है, इस तरह के जो पैसे, अरे भाई तो वो तो पूरा मुल्क इसी पे चल रहा है ना, 98% तो आपकी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो अनअकाउंटेड है, तो कौन सी इल गॉटन, वो तो सबकी सब मनी इल गॉटन है भाई, आपके टैक्स पेयर कितने हैं मुझे ये बताइए, 1 मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन ज्यादा नहीं है, तो भाई तो पूरा सिलसिला इसी तरह चल रहा है, तो अजीब किस्म की सूरत हाल आदमी बयान करना शुरू कर दे, तो वजह क्या है इसकी, क्यों इस सेक्टर को इतना टारगेट, कोई ऐसी खास बात नहीं, बस ये कि आज आप अच्छी टाई पहन के आए खूबसूरत लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार आज रहा शुजात को खींचो, हो गया चालू, अब कोई चीज़ चाहिए ना, बंदर तो चाहिए ना बंदरिया जी, तो कोई तो अब वो कहे नहीं जी वो आटे में बड़े पैसे जा रहे हैं, सेंस नहीं बनता,
तो ये ऐसे ही सेक्टर जो अच्छा दूसरी बात ये भी देखिए ना कि रियल इस्टेट में मैं इस बात को आपको बहुत और कारीन को भी समझाना चाहूँगा। इस मुल्क में जब आप ये कहते हैं कि वो पैसे जा रहे हैं तो ज़रा प्लीज़ गौर करिए कि 98% जो कराची है, या गौर से समझिएगा, 98% आबादी और 98% कराची डिफेंस के लेफ्टिनेंट मुश्किल से 1% है। तो 1% में पैसे जा रहे हैं और वो 99% में जो पैसे जा रहे हैं तो वो तो 12 लाख का, 14 लाख का, 8 लाख के, 10 लाख के, 50 लाख के, 25 लाख के, अरे भाई तो वो भी तो वो ह्यूज ह्यूमंगस वॉल्यूम है, ह्यूज एंड ह्यूमंगस वॉल्यूम मल्टीप्लाइंग इनटू ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। अच्छा इसी से एक और बात जो कि एक बड़ी कॉमन, ये अब आप ये कह दें कि वो चपरासी ने जो 6 लाख का लिया वो बड़ी रिश्वत, अबे भाई तो तुम्हारा मुल्क इसमें अब क्या अजीब सी बात है। आप ये थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे कराची की आपने बात की, पूरे मुल्क में बहुत सारी ऐसी आबादियाँ जो गैर कानूनी आबादियाँ जिसको आप समझ लें, या जहाँ पे सिर्फ जो खरीदो फरोख्त है वो एक स्टैम्प पेपर पे हो रही है, तो इसका क्या अभी ये दोबारा से जब लीगल जो रियल स्टेट की मार्केट प्रॉपर इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया तो क्या इस तरह के बिजनेस बंद हो गए, उनको फॉर्मलाइज हो गए, लीगलाइज हो गए, क्या उस पर इम्पैक्ट? देखिए ना, वो तो बंद यूँ नहीं हो सकते कि ये तो बात सिंपल सी है कि अगर इस मुल्क में लिटरेसी है ही नहीं और आप ये ढूंढते फिर जाके कि भाई मैट्रिक पास कितने हैं, तो भैया मैट्रिक पढ़ाया ही नहीं किसी ने तो मैट्रिक पास कहाँ से होंगे। अब जब शनाख्ती कार्ड की बात होती है, मैं आपको अब भी लिख के देता हूँ कि कोई 40% स्कूल की आबादी ऐसी शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, इसलिए कि वो जो दूर दराज जो रिमोट आपके रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, ना उनके पास तो कोई पहुँचा है ना कभी वो शहर तक आए, तो पता ही कुछ नहीं। लेकिन गवर्नमेंट तो खैर बहरहाल ये तो चले। अब एक और जो चीज़ जो मैं, दूसरी बात ये भी है कि देखिए, दूसरी बात ये भी है कि उसकी लिखा पढ़ी यूँ नहीं होती है कि चूंकि गवर्नमेंट ने ये काम कम से कम गवर्नमेंट का होता है यहाँ पर कुछ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चार्ज जैसे NIC है, अब NIC गवर्नमेंट बना के देगी ना, ये मसला नहीं कि क्योंकि जो लाओ लश्कर और जो टेक्नोलॉजी और जो तमाम एक सिस्टम चाहिए वो कोई प्रोवाइड जाती, या तो आप IBM से कहिए कि भाई हम तुम्हें पैसे देंगे तुम बनाओ वो कर देंगे, या तुम खुद करो, तो कराते तो IBM वगैरह से ही हैं, मगर ये कि कोई ऐसी चीज़ हो। इसी तरह नादरा की जगह एक और रादरा एक अदारा वजूद में आ जाए जो रियल इस्टेट की तमाम वो करता हो और वो छोटी छोटी जगहों पे जाए और जाके गए कि भैया यहाँ तो की कच्ची आबादियों का, मतलब ये जो ब्रॉड बेस्ड है ये गवर्नमेंट का काम है, इसको डॉक्यूमेंट करें, ये प्राइवेट वो नहीं कर सकते। नहीं है ना भाई, तो वहाँ पर वो काम फिर उसी तरह हो रहा है। ब्रेक सर लेंगे और ब्रेक के बाद मैं एक कटिंग के बारे में आपसे सवाल करूंगा, बड़ा खतरनाक सवाल है। नाज़रीन यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे रियल इस्टेट के बारे में। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। सैयद एस हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की रियल इस्टेट के हवाले से और मैंने एक बड़ा ख़तरनाक सवाल करना है और उसकी डेफिनेशन भी इनसे लेनी है। सर ये बताइए मुझे कि ये चाइना कटिंग क्या होती है? भाई देखिए, बात यह है कि चूंकि चाइना को कुछ इज्जत दे दी थी, वो जो कहते हैं ना अगर बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो आप इसको शिकारपुर कटिंग भी कह सकते थे। तो बस वो चाइना कटिंग ऐसी कैसी थी कला, उसमें होता ये है कि जैसे कोई ऐसे इलाके जो अनहैबिटेड थे जहाँ कोई रह रहा या नहीं था या लोगों की निगाहों में नहीं था, वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, बगैर गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर फिर कुछ लोग या कोई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ भी तो बनी हुई है ना, कैसे बादशाह सोसाइटी या फिर सोसाइटी फलाना हैदर सोसाइटी फलानी सोसाइटी, तो उसके अंदर प्लानिंग के अंदर फ़र्ज़ करिए उन्होंने किसी जगह कहीं पर कोई पार्क का प्लॉट रखा, अब वहाँ किसी को पता पता तो है नहीं, वो पार्क के प्लॉट को काट के उन्होंने रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में डाल दिया, तो ये फिर चाइना कटिंग कहलाती है। अच्छा, तो आप ये कह लें कि जो इनहैबिटेंट लैंड है उसमें अगर कोई ज़ाहिर बात है जो रहते हुए तो नहीं कर पाएंगे ना आप, उसको तो फिर आपको बाकायदा ऑफिशियली कमर्शियल कराना होगा, तो उसके अलग प्रोसेस। तो ये इसके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है होती है या ये पता होता है कि लैंड जो है वो ये नहीं, वो पहले होता है शुरू में मालूम, लेकिन ये चूंकि हर जगह ही हो जाता है, कहीं पर ऑफिशियली होता है तो उसे चाइना कटिंग नहीं कहा जाता, बाद जगह ये होता है कि अनऑफिशियल होता है लेकिन बाद में ऑफिशियल हो जाता है। तो अब कितने किस हद तक जो है वो ये प्रिवेल कर रही है हमारे? नहीं, बस ये तो उन्हीं इलाकों में करती है प्रिवेल जहाँ पर के भी कोई आबादी अनाउंस हो रही है या अभी अनाउंस होगी, और जिसमें के वो अदारे जो के मतलब इसमें मुलविस होते हैं, जिनकी अथॉरिटी होती हैगी या वो लोग जिनकी एक अथॉरिटी होती है, उनको दो पैसे अच्छे लगते हैं तो वो समझते हैं कि चलो यार छोड़ो, होगा ये पारवा को धक्का दो पार्क में कितने लोग जाएंगे। तो इसमें क्या एक आम शख्स जो है वो कैसे बच सकता है कि इस तरह की जो इस किस्म की जो कंट्रोवर्शियल प्लॉट्स हैं या लैंड है उसकी परचेज करते हो? क्या देखिए होता यह है कि ये कोई कंट्रोवर्सी ज़रूरी नहीं कि कंट्रोवर्शियल ही हो,
क्योंकि होता ये है कि वो जब प्लॉट काटे जाते हैं तो वो प्लॉट काटने के बाद बाकायदा उसको रेगुलराइज भी करके उसकी लीज भी कर दी जाती है, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू उसको किया वो हो जाता है। उसमें होता सिर्फ ये है कि जो सिविक लोग होते हैं या जो पढ़े लिखे अदारे होते हैं, जैसे शहरी है या उसमें दूसरे अदारे हैं या वहीं के कुछ रहने वाले लोग, वो उस पर ये एतराज़ उठाते हैं कि भाई हम लोग यहाँ रहते हैं, ज़िंदगी भर हमें रहते रहे, हमने यहाँ देखा है, हमें बताया गया कि यहाँ पर पार्क था, अब यहाँ पर ये तो पार्क तो ख़त्म हो रहा है, तो एक अच्छी एम्यूनिटी जो हमारी थी वो गायब हो रही है। वो जो गायब हो रही है तो वो एम्यूनिटी को रोका जाए, इसलिए कि वो एम्यूनिटी थी, वो एम्यूनिटी ही रहेगी, भले ये प्लॉट क्यों बनाए जा रहे हैं, प्लॉट या वल्ला आलम जो कुछ भी बना रहे हैं, हम नहीं मालूम कि क्या बना रहे हैं, वहाँ कुछ और बनाना शुरू कर दें वो, मतलब उसको यानी रिक्रिएशनल ये एम्यूनिटी ये याद रखिए कि फलाह व बहबूद की कुछ चीज़ें मज़ेदार सी जो सबकी कम्युनिटी के लिए थी, पूरी कम्युनिटी जब वो ख़त्म की जाती है ना, तो वो उसको चाइना कटिंग कहा जाता है। और या जैसे लीगल भी हो सकती है, मतलब बाद में लीगल कर देते हैं, लीगल अच्छा। भी हो जाती है बाद में, क्योंकि जो चाइना कटिंग करते हैं वही तो कुछ करते कराते हैं ना भाई, करने वाले कौन है, करने वाले वही है ना जो कुछ करता धरता होंगे। इसका मतलब ये है कि ये इसकी 100% खरीदो फरोख्त ये नाजायज़ या इलीगल नहीं है। उस वक्त शुरू में जब आप करेंगे तो ये कह देंगे कि भाई इलीगल है, इसलिए कि आपको एक कागज़ से थमा दिया गया या कोई भी कागज़ ना थमाया गया, आपको कह दिया गया यार फिलहाल रह लो, इतने से पैसे हमें कैश ही दे दो, फिर हम करते हैं। अब उसमें कोई डूब भी जाते होंगे, डेफिनेटली डूबते होंगे, इसलिए कि तो अगर वो अगर ये रिस्क है, रिस्क तो है। अच्छा, इसी तरह से कच्ची आबादी के बारे में ये कहा जाता है कि एक तो ये डेफिनेट किस तरह से कच्ची आबादी से क्या मुराद, वहाँ पर तो सारे पक्के बड़े बड़े तीन तीन चार चार मंजिला पांच पांच मंजिला मकान बनाए होते हैं, तो कच्ची आबादी को क्या किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या ये लीगल कोई टर्म है? जी मैं बताता हूँ, देखिए कच्ची आबादी असल में होता ये है कि ये सब तब्दीलियाँ जो होती हैं ये अब से मेरा ख्याल है 40-50 साल के बाद इस तरह की कच्ची आबादियाँ वजूद में नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी कि चूँकि तकरीबन जैसे पंजाब गवर्नमेंट पूरे पंजाब को कंप्यूटराइज कर रही है, लैंड डिपार्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान ये करा, सिंध में भी अब सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंप्यूटराइजेशन जो सब कंप्यूटराइजेशन हर जगह की कर रहे हैं, बड़ा आसान हो गया अब तो, गूगल से हो जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, और सब उनको पता है कि भाई कौन सी आबादी है, उसको वो उसका एक नक्शा सा भी बना देंगे जो अभी तक नहीं थे अवेलेबल, अभी तक वो पटवारी के ज़माने के 100 साल पुराने, वो भी अंग्रेज़ का कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो वो भी कुछ नहीं, क्योंकि पहुँचा ही नहीं, अंग्रेज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा जो कराची अब जहाँ तक पहुँच रहा है। तो वो जब सब चीज़ें आ जाएंगी तो फिर उसके बाद फिर ये कच्ची आबादी की ज़रूरत या इसलिए नहीं होगी कि वो ख़ुद बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से या उन अदारों की तरफ से वो दे दी जाएंगी पार्सल्स ऑफ लॉ, जैसे बाहर दुनिया भर में होता है कि वो प्लॉट ऑफ लैंड दे देते हैं और कहते हैं डेवलपर को, और कहते हैं कि चलो भाई हमारी तरफ से तुमको ये दी गई, अब तुम इसकी प्लॉटिंग करो और बनाओ और बेचो, तो वो कच्ची आबादी नहीं रहती, फिर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्लान हो जाएगी। हाँ, फिर वो प्लान अभी जो हमारी जो कच्ची आबादी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अब अक्सर ये सुनने में आता है, नाज़रीन भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि उसमें हमने खरीदो फरोख्त करते रहे, बाद में गवर्नमेंट ने आके अपना प्रोजेक्ट शुरू किया और वहाँ पे आके हमारे घर गिरा दिए और उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला, तो आप क्या ये सजेस्ट करेंगे कि ये जो कच्ची आबादियों में जो लेन देन का काम है ये इलीगल है या ये लीगल है? नहीं, क्या मैं इलीगल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इलीगल यूँ नहीं कहूँगा कि जब कोई चीज़ इसकी तरफ से आंखें बंद करके बैठा हुआ है, इलीगल यूँ नहीं है कि भाई बाहर एक खरीदो फरोख तो किसी चीज़ की कर रहा है ना, और गैर कानूनी तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ बनाई कोई कानून किसी किस्म का नहीं है, तो अब आप कैसे कह देंगे कि ये गैर कानूनी है? भाई अगर आप ये कानून बना रहे हैं कि भाई गोश्त बेचा जाए तो बाकायदा शीशे वीशे में रख के, लेकिन वो तो यूँ लटका के बेच रहे हैं, तो ठीक है बस बेच रहे बेच रहे। तो इसमें लेकिन मसला ये है ना कि बाद में आके प्रॉब्लम, अभी बहुत सारे इलाकों में गवर्नमेंट ने जब डेवलपमेंट शुरू की है तो बहुत सारे, एक नाला था उसका जिक्र आ रहा था अक्सर मीडिया में, उसको अब डेवलप करना शुरू किया तो सारे जो लोगों हाँ की ये तो होता है, ये तो होगा, जैसे बहुत सारे पुल बन रहे हैं अभी, पुल बन रहे हैं तो बहुत सारी जगह कुछ ऐसी भी हो रही हैं कि जो ऐसे था, यही जैसे आप देखेंगे यहाँ पर था ये जो सनसेट बॉलीवुड को जा रहा है जी, तो जब कैप्टन खंडमेंट बोर्ड ने किया तो जो बात जो थी वो तोड़ के पीछे की गई जब सड़क चौड़ी की गई, इसलिए कि अभी जो है सुनने में ये भी आ रहा है कि आपको बेहतर पता होगा कि ये रेलवे के जो ट्रैक के दोनों हिस्से हैं ये चाइना को दे दिए गए और उसके इर्द गिर्द की जो कच्ची आबादी है उस पर भी, हाँ जाहिर बात है, इसलिए कि बात ये है कि वो जहाँ पर जो हो जाते हैं वो यही है कि चूँकि किसी भी किस्म की उसकी रेगुलराइजेशन चूँकि वो हुआ नहीं ना भाई, बात ये होती है कि रहने वाले को कोई जगह चाहिए, अब जैसे फुटपाथ पर कोई रह रहा है, अब देखें ना आजकल पहले फुटपाथ पे कराची में लोग नजर नहीं आते थे, आज को नजर आ रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी कच्ची आबादियाँ छोटी छोटी वजूद में आई रही है ना इधर उधर। तो इसमें कौन जाहिर है कि इसमें तो गवर्नमेंट का रोल बनता है, ऐसे लोगों गवर्नमेंट का रोल भी बनता है ना, मगर वही बात है ना कि गवर्नमेंट चूंकि खुद ही इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि वो या तो उन सेटलर्स को कोई जगह प्रोवाइड करे या उन जगहों के ऊपर कह देना, वो भी आंखें बंद कर लेते हैं कि अबे यार जो हो रहा है सो हो रहा है, धक्का तो हमारी मुसीबत से तो हम तो बच रहे हैं, क्योंकि अगर लोग आ जाए और कह दिए हमें प्लॉट दें 5,000
और सस्ते में दें तो कहाँ से देंगे वो। हाँ, लेकिन ये तो एक फिर बड़ा, ये तो एक अलार्मिंग सूरत हाल है, ये तो एक विशेष सर्कल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वो अभी आपने बड़ी अच्छी बात करी थी ना, तरक्की याफ्ता, तो जब आप ये जब कहेंगे तो इसी किस्म की वजूद में आएंगी चीज़ें। कैंसर का इलाज जो होगा ना वो टोटके से ही होगा। अच्छा, चलें अब एक और बात जो कि बड़ा कॉमनली एक फ्रेज भी है, लैंड मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र के हवाले से, और जो रिकॉर्ड होल्डिंग जो होती है उसमें चंद अशखास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चंद जो सरकारी होते हैं उसमें, देहातों में पटवारी उसको कहते हैं, शहरों में जो है उसको कोई और नाम, मुझे उसका पता है, रजिस्ट्रार होता है। अब पहले ये कहा जाता था कि ये लोग इसमें काफ़ी हद तक रोल प्ले करते हैं, कई दफ़ा गड़बड़ भी करते हैं और कुछ और भी प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। अब भी सूरत हाल क्या है, क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि KPK में, पंजाब में कुछ इलाकों में कंप्यूटराइजेशन के बाद से इन लोगों का रोल उतना नहीं रहा, इतने इफेक्टिव नहीं रहे, आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इसी तरह होगा। देखिए ना, जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है ना तो उसकी, उस डॉक्यूमेंट की मतलब ये होता है कि उस प्लॉट की या उस ज़मीन की आप एक बाकायदा बाउंड्रीज और तमाम चीज़ का एक तायुन कर लेते हैं कि दाएँ पे क्या है, बाएँ पे क्या है, बाएँ पे प्लॉट नंबर फलाना है, ये सब कुछ है। तो जब एक तायुन हो जाता है तो उसमें फिर इस बात की गुंजाइश नहीं रहती। अब एक मैदान फ़र्ज़ करिए कोई 4 मील का, 4 किलोमीटर डाया का एक कोई मैदान पड़ा हुआ है, उसमें मैं आपसे कह दूं कि शुजात मियाँ ये प्लॉट आपका है, तो आप शुजात मियाँ मुझसे पूछेंगे कि ये कौन सा नंबर, मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया इसका नंबर है A12। लेकिन अगर एक नक्शा सा मौजूद है जिसके ऊपर के मैं आपसे बताऊँ तो या तो वो जाली नक्शा होगा, लेकिन अगर वो हुकूमतों ने गौर या किसी अदारे ने बाकायदा पक्का बनाया तो उसमें पता चलेगा कि ये A12 है, और A12 की पूरी तफसील भी बयान की गई होगी कि ये A12 है कैसे। ये वही बात है, जाली डिग्री और असली डिग्री। ठीक है, तो अभी ये भी एग्जिस्ट कर रहा है ये जाली? हाँ, ये लेकिन अभी हो रहा है ना, चूंकि कर रहे हैं तो मेरा ख्याल अगले, तो आप समझते हैं कि कंप्यूटराइजेशन से एक शख्स घर पे बैठ के लैंड को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लैंड ओरिजिनल है किसके नाम पे? पूरी दुनिया में, इसलिए कि आपको वेबसाइट पे डाल देंगे, वो कोई प्रॉब्लम। और अभी मतलब इसमें, अब जैसे DHA की मिसाल है ना आपके पास, DHA की है, KDA की है, इन्होंने इनके पास तो नक्शे ऑलरेडी मौजूद है ना, इन सारी कंप्यूटराइज्ड। हाँ, ये सब कंप्यूटराइज्ड है, इनके पास जब आप चले जाते हैं तो ये पूरा उसका एक साइट प्लान निकाल के आपको देते हैं, यानी सबसे पहले साथ साथ उसके एक साइट प्लान जैसी कोई चीज़ लगा हुआ होता है कि भाई ये आपके प्लॉट है, ये आपके सामने पार्क है, या 40 फीट की गली है, या फलाना है, और ये वाला आपका प्लॉट है। और जब वो कुछ आबादियां भी हो जाती हैं तो उस वक्त आपको अपनी उस प्रॉपर्टी का बड़ी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि आपको बताया गया कि D52, तो आपने कहा D51 ये बना हुआ, D53 ये बना हुआ, ये मेरा वाला D52 है। अच्छा सर, एक आम जो, क्योंकि आपको पता है हमारी मिडिल क्लास की आबादी, अभी थोड़ी सी मिडिल क्लास एक्सपेंड होना शुरू हो गया, लोगों के पास कुछ सेविंग्स होती हैं, एक तो अपने घर बनाने के लिए, उसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अपने जो पैसे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब आप क्या मशवरा देते हैं रियल इस्टेट के हवाले से, क्या ये ऐसा सेक्टर है जिसमें मिडिल क्लास का शख्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए अगर एक बंदे के पास 2-4 लाख रुपए हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर सके? देखिए, बात यह है ना कि 2-4 लाख में सबसे जो बात अहम आई वो ये आई कि किसी किस्म का भी कोई दस्तावेजी सबूत इस बात का कि भाई ये एक चीज़ जो थी आप इसके मालिक हैं और ये जगह है, जैसे शनाख्ती कार्ड नाजरा का इशू किया हुआ, वो इस बात की अलामत है कि डॉक्टर शुजात वाकई में हैं, है ना। बस इस किस्म का जब कोई पहला कागज़ है तो सबसे पहले कोई इस किस्म का दस्तावेजी सबूत आप देख लीजिए। लेकिन जैसा कि अभी बात हुई कि कच्ची आबादियां या जो कुछ भी है, जो कराची की जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन अब भी मेरे ख्याल 30 से 35% ऐसी आबादियाँ हैं जो बिल्कुल कच्ची आबादी हैं, जो बस आबाद हो गई। अब जैसे नाले के किनारे आबाद हो गई, रेलवे लाइन पे आबाद हो गई, कोई और ऐसी कोई बिल्डिंग के पीछे सड़क जा रही थी, वो सड़क कहीं तफाक से किसी जगह डेड एंड हो रही थी तो वो पूरी सड़क ही बंद हो गई। तो अब वो 30 से 35% जो आबादी है वो तो बारह लोग तो रहने आएंगे ना भाई, उनको इल्ज़ाम ना दें। बात सिर्फ ये कि जब तक आप उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं से तो खाएगा ना भाई, कुछ तो करेगा ना वो। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आमतौर पर बिल्कुल ओवरलुक की जाती है, लोग ये कहते हैं, मतलब एक वाइल्ड गेस कहा जाता है कि जी रियल इस्टेट जो है ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की रियल इस्टेट में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, और जैसे आपने ये कहा कि इसमें ऐसे इन्वेस्टर से ज़्यादा ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि घरेलू सार्फ आप समझ रहे हैं, जो अपने रहने के लिए घर वो ख़रीद रहे हैं, तो इसी सूरत हाल को देखते हुए आइंदा 4-5 सालों में आप क्या प्रोजेक्ट करते हैं कि रियल इस्टेट मार्केट पाकिस्तान की अप्स एंड डाउन आएंगे या ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इसमें आपको, इसमें
जो बहुत कुछ अवामिल हैं उनको भी ज़रा मद्देनज़र रखना चाहिए। वैसे तो ये बाहर की जो इमदाद होती है वो कोई इतना ज़्यादा असर पैदा नहीं करती, लेकिन वो जो होता है एज ए कैटलिस्ट काम करती हैं। अब जैसे ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, 47 अरब से हुई थी 52 अरब हो गई। अब वो 52 अरब तो कागज़ पे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखा जाए तो ये 150 अरब से 150 अरब डॉलर से ऊपर जा चुकी है। जो कि ये दूसरे जो इंडस्ट्रीज कुछ इंडस्ट्रीज हैं कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि वो कैटलिस्ट का काम हो रहा है ना, कैटलिस्ट का काम हो रहा है ना, तो उस कैटलिस्ट के काम के ऊपर कुछ और चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो जब वो डेवलप हो रही हैं तो वो खाली, अब जैसे आपने देखा होगा कि ये भी आ गया कि वो केटी बंदर को भी सीपैक का हिस्सा बना लिया जाए। अब केटी बंदर का इलाका कोई शहर कराची है गवर्नर तक तो आउटस्कर्ट्स नहीं है ना, बहुत दूर। तो अब केटी बंदर तब जब कोई सड़क बनेगी कुछ होगा तो रोज़गार के मौके होंगे, जब रोज़गार के मौके, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ जिसको कहा जाता है ना, क्रिएशन ऑफ वेल्थ या क्रिएशन ऑफ मनी, और वो असबाब ज़राए मईशत बढ़ाने के रोज़गार के, तो वो तो हमेशा बढ़ सकते हैं ना, ऐसी कोई बात तो नहीं है। जब वो बढ़ते चले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वही जो होते हैं उन्हीं रिसोर्सेज की मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाती है। तो जब फास्ट हो जाती है तो फिर वो ज़ाहिर बात है कि रियल इस्टेट उसमें से पहला शोबा है जो सबसे पहले, एक तो ये कि घरेलू काम और फौरन ये होता है कि भाई वो एक छोटा सा कोई मकान ही मेरा होता है, झोपड़ी मेरी होती है। सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी किसी भी शख्स को जिंदगी में उस वक्त होती है यार मेरा तो अपना घर भी नहीं। हाँ यही ना। तो आप ये समझते हैं कि सीपैक के आने से भी इसकी जो है ये काफ़ी अगले, देखिए सन 18-19 और सन 2020 तक आपको इसके असरात, 17 में तो शायद क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है ना, कोई तो प्राइसेस बढ़ेंगी तो नाज़रीन को ये कहना चाहिए कि प्राइसेस बढ़ने का मतलब ये कि अगर आपका रोजगार भी बढ़ रहा है आमदनी भी बढ़ रही है तो क्या ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। देखिए पाकिस्तान में देखा जाए तो इतना इलाका जो है वो ऐसा है जो अनडेवलप्ड है कि अगर आप उसको डेवलप करें तो कोई प्राइस वाइज बढ़नी नहीं चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में ये होता है कि जैसे मैं जब अभी हाल में कनाडा में था तो मैं ये देख रहा था कि दबा के सौदे हो रहे हैं लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रही। तो मैंने पूछा कि यार ये क्या वजह है, उन्होंने कहा भाई नए इलाके डेवलप कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। उन्होंने कहा नए इलाके डेवलप हो रहे हैं तो सौदे तो हो रहे हैं, दाम यूँ नहीं बढ़ रहे, किसी प्राइस भी टाक टाक चली आ रही है। ठीक है तो जब अगर ये नए इलाके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ ये तो खुशहाल, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि वो जाहिर बात है कि अगर आप इलाके डेवलप गवर्नमेंट करती जाएगी तो दाम कब बढ़ते हैं, जब कोई खास किसी सप्लायर जब चीज पे मुर्तकिज हो जाए कि भाई डिमांड सप्लाई का तनासुब जो है वो ना रहे कि डिमांड फर्ज करिए 100 हो जाए और सप्लाई 70 रहे तो फिर तो दाम बढ़ेंगे ना। तो आप ये कह रहे हैं सप्लाई भी एक्सपेंड इसकी करेगी। हाँ तो सप्लाई करेगी तो पाकिस्तान हमारा मुल्क जो ये भी डेवलप होगा। सर एक आखिरी सवाल ये है कि ये क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर इतना डेवलप हो चुका है, इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट आ गई है और ये एक एज अ कैटलिस्ट सेक्टर बन गया, अब क्या समझते हैं कि इसके कौन कौन से जो के हिस्से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको फॉर्मलाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को आके उसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसमें चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो चाहे रेजिडेंशियल हो, भाई मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनें होती हैं ना, चाहे समंदर के टुकड़े हों, हॉक्स बे है, मनोड़ा है, सबसे पहले तो उसकी एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, ऐसी दस्तावेज जो कि बाकायदा मुल्की कवानीन के तहत काबिल कबूल हो। और ये कौन बनाएगा, वही जैसे यूनिवर्सिटी की मैंने आपसे बात करी कि चार्टर किसी यूनिवर्सिटी को आई उसने डिग्री दे दी तो बेकार की हो गई ना डिग्री, चार्टर दे दिया आपने माने जाने लगी। तो पहला तो ये कि डॉक्यूमेंटेड हो जाए, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप फिर उसके साथ कोई 20 साल तक की कोई ना कोई मॉर्गेज फौरन देना शुरू करें। जो देखिए कारें क्यों रोड पर इतनी ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए कि कल्टस और छोटी वाली गाड़ी हर बैंक दे रहा है तो ठीक है, वो बड़ी पराड़ों को भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा सा इसमें रोल प्ले करना होगा। हाँ मतलब ये बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा हुकूमत को, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो को तो इंस्ट्रक्शंस आती है ना, फिर वो समझते हैं कि ये लुक्रेटिव नहीं है, उसमें पैसे उनके फंस जाएंगे, क्योंकि 15 से 20 साल के लिए ये तो बैंक फिर उनको गारंटर खड़ा होता है। मैकेनिज्म भी एक डिवाइस करेंगे अगर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होंगे तो ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में होता ही है ना भाई। देखिए ना इंडस्ट्री को तो देते हैं ना, मगर इसको चूंकि सबसे अहम बात जो है कि डॉक्यूमेंटेशन इसमें नहीं है, सबसे अहम बात डॉक्यूमेंटेशन जो, और आमदनी की भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब जब ये टैक्स वैक्स भी आएगी तो आमदनी की भी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। अब डॉक्टर शुजात साहब के पास पैसे तो हैं मगर वो कहते हैं कि साहब आप जरा वो तो बताइए कि आप कितने पैसे, अब आप ट्यूशन भी करते हैं फर्ज करिए कुछ और भी, वहाँ से आपको कैश मिल जाता है, तो अब आप अपना कहाँ से बताएं? अब नहीं है सिस्टम, बस नहीं है सिस्टम, तो सिस्टम डेवलप करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, तो जब आप कर लें तो भाई जैसे आप ये समझ रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एक बुनियादी एलिमेंट है जो कि मौजूद, हर जगह डॉक्यूमेंटेशन आप ले आएंगे तो बैंकों को भी सुकून हो जाएगा। वो जो कागज अपने पास मॉर्गेज रखेंगे वो उनको पता होगा कि ये मॉर्गेजेबल डॉक्यूमेंट है, यानी इसके ऊपर
پیسے دیے جا سکتے ہیں. مورگیجیبل ڈاکیومنٹ, مورگیجیبل ڈاکیومنٹ ہے, اس پہ پیسے دیے جا سکتے ہیں, اور نہ پیسے اس کو نہ دہندگی کی صورت میں وہ اس کو باقاعدہ مارکیٹ میں جیسے عام پراپرٹیز بکتی ہیں اسی طریقے سے وہ بھی بیچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی بڑی مزیدار گفتگو ہوئی آپ سے. ناظرین, ہم نے ریئل اسٹیٹ کے کچھ ایشوز ڈسکس کیے. اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے گیسٹ نے ڈسکس کی کہ بھائی اگر اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو چلیں ٹھیک ہے, سورس آف انویسٹمنٹ جو بھی ہے ایٹ لیسٹ یہ سیکٹر تو ڈیولپ ہو رہا ہے نا. وہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ سورس آف انویسٹمنٹ کو جانچے کہ کہاں سے آئی ہے. بہرحال نہ ہونے سے تو بہتر ہے, سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہ سیکٹر ایسا ہے جو کہ آپ کی اکانومی کو لیڈ کرتا ہے, جس کے ساتھ بہت سارے دوسرے جو انڈسٹریز ہیں وہ وابستہ ہیں, جس میں آئرن ہو گیا, سیمنٹ سیکٹر ہے, کنسٹرکشن ہے, اور بہت ساری لیبر بھی اس سے وابستہ ہوتی ہے. لیکن اس سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے, اس کی گروتھ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے کم سے کم گورنمنٹ کو اس کی ڈاکیومنٹیشن کرنا ہوگی. اگر گورنمنٹ اس کی پراپرلی ڈاکیومنٹیشن کر دیتی ہے تو انویسٹرز کا اعتماد بھی بڑھ جائے گا, جو عام اس میں انویسٹمنٹ کریں گے لوگ یا جو بھی بائر ہوں گے ان کا ٹرسٹ بھی بڑھ جائے گا, اور جو بزنس کرنے والے ہیں ان لوگوں کا ٹرسٹ میں بھی اضافہ ہوگا. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کوئی رائے, کوئی فیڈ بیک دینی ہو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ایڈریسز کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.